हाँ भाई, कंपनीज एक्ट 2013 की बात कर रहे थे हम, लॉ की बात करने लग गए थे कहीं ना कहीं। ठीक है, सब्जेक्ट है अकाउंटिंग और आप सर लॉ पढ़ाने लग गए थे। बेटा क्या करें, आपके सिलेबस में जितना कुछ था उतना तो बताना ही पड़ेगा। ठीक है, आज की क्लास में हम बात जो करेंगे वो करेंगे प्रॉपर अकाउंटिंग की। अकाउंटिंग की बात करेंगे और अकाउंटिंग में आज पूरी क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, एक ही बात पढ़ेंगे, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश की एंट्री जो थी वो नॉर्मल थी, आपकी नॉर्मल थी ना। क्या एंट्री होती थी, कैश अकाउंट डी आर टू कैपिटल अकाउंट या फिर कैश अकाउंट डी आर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यही सब एंट्री होती थी। ठीक है, यहाँ पे भी वैसी ही कुछ एंट्री होगी, लेकिन वो एंट्री जो है वो अपने आप में एक बवाल है। ठीक है, बवाल नहीं है, आसान है, मज़ा आएगा आपको वो एंट्री करके। तो चलिए, मैं जितेंद्र कुमावत स्वागत करता हूँ आपका एक अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है इजीली लर्न विद स्माइल। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की, और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं इश्यू ऑफ शेयर फॉर कैश। चैप्टर का नाम क्या था, इश्यू ऑफ शेयर, और इश्यू ऑफ शेयर हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। आज से पहले हमने क्या बात करी थी, कंपनी की ओवरव्यू की बात कर ली थी। कंपनी की बैलेंस शीट जो है बेसिकली वर्टिकल फॉर्मेट में बनती है और उसमें शेयर कैपिटल को कैसे प्रेजेंट करते हैं ये बात भी हम कर चुके थे। आज की क्लास में अब थोड़ा सा अकाउंटिंग के ऊपर अपन थोड़ा सा मूव ऑन करते हैं और अकाउंटिंग के बारे में पढ़ते हैं। तो अकाउंटिंग के बारे में हम शुरुआत करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैंने आपको एक चीज बोली थी, सिंपल सी बात कही थी, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। आप क्या एंट्री करते हैं, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो सोल प्रोप्राइटरशिप में आप क्या एंट्री करते आए थे, आप एंट्री करके आए थे कि सर कैश या फिर बैंक अकाउंट डीआर हो जाता है, ठीक है, टू क्या हो जाता है, कैपिटल अकाउंट। पार्टनरशिप के केस में हमने बाद में जो एंट्री देखी वो एंट्री देखी कैश या बैंक अकाउंट डीआर, ठीक है, कोई और एसेट भी हो सकती है, टू यहां पे आने लग गया पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, इसके बाद और आगे हम बढ़े, आए हम किस कहां पे, कंपनी के कंसेप्ट पे। अब सोल प्रोप्राइटरशिप में देखो एक ही मालिक होता है, क्या होता है, एक ही मालिक होता है। तो यहाँ पे हम कैपिटल के नाम से उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं और कैपिटल का नेचर कौन सा हो जाता है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल हो जाता है, क्योंकि ये प्रोपराइटर को प्रेजेंट कर रही है भाई। पार्टनरशिप में एक मालिक नहीं होता है, मोर देन वन होते हैं, दैट्स वाई हम पार्टनर्स कैपिटल यूज में ले लेते हैं, मोहन्स कैपिटल, सोन्स कैपिटल, सीताज कैपिटल, गीताज कैपिटल। बट कंपनी के केस में तो सर करोड़ों मालिक होते हैं। तो यहाँ पे सवाल ये उठता है कि कंपनी जब हम स्टार्ट करेंगे तो इनिशियल लेवल पे जो पैसा आएगा उसकी अकाउंटिंग किस वे में करेंगे और वो पैसा आने का सिस्टम क्या होता है, वो सारी बातें हम आज की क्लास में करने वाले हैं। सिस्टम भी पढ़ेंगे, साथ के साथ उस सिस्टम की अकाउंटिंग कैसे की जाती है वो चीज़ भी मैं आज की क्लास में आपको सिखाने वाला हूँ। बट उससे पहले आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा, एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि देखिए, कंपनी जो होती है ना वो बेसिकली एक आइडिया लेके आती है। हर बिजनेस का अपना एक आइडिया होता है, बट समटाइम क्या होता है, आपका आइडिया जो है ना वो इतना यूनिक होता है, ठीक है, लोगों में बवाल मच जाता है, लोग जो है टूट के पड़ते हैं पैसा लगाने के लिए, टूट के पड़ते हैं पैसा लगाने के लिए। तो जब कंपनी का जिसका आइडिया है वो भी इस चीज़ बात का फ़ायदा उठाता है और फ़ायदा उठाता है और क्या सोचता है कि जब टूट के पैसा लगाने में लगे हुए हैं लोग तो क्यों ना मैं शेयर की वैल्यू बढ़ा दूँ, वैल्यू बढ़ा दूंगा तो लायबिलिटी हो जाएगी। भाई 100 रुपए का कोई सामान है, अगर मैं आपको 100 रुपए में सेल कर दूं, ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, पार। इट मीन्स 100% वैल्यू पे आपने सेल कर दिया। बट समटाइम क्या होता है, इसकी वैल्यू जो है मुझे लग रहा है कि डिमांड बहुत ज़्यादा है, वैल्यू इसकी 100 ही है, तो मैंने आपको क्या कहा, ये 100 रुपीज़ का शेयर मैं आपको कितने पे दूंगा, 100 प्लस समथिंग, कुछ और लूँगा मैं आपसे एक्स्ट्रा। इस एक्स्ट्रा को हम क्या कहते हैं, प्रीमियम। क्या कहते हैं, प्रीमियम। आपने देखा होगा थिएटर्स के बाहर 200 रुपये की मूवी टिकट है, लेकिन बाहर भीड़ लगी हुई है, लोग ऊपर से ऊपर बोल रहे हैं कि भाई मुझे भी देखनी है, मुझे भी देखनी है। तो थिएटर वाले क्या करते हैं, बेसिकली थिएटर वाले तो उसको 200 में ही सेल आउट करेंगे, बट बाहर कुछ लोग फ़ायदा उठाते हैं, 15-20 टिकट ले ली और कहा कि भाई टिकट अपने पास है, टिकट मिल जाएगी आपको, बट ऊपर से कुछ पैसा आपको देना पड़ेगा। अब ऊपर से अगर आपने पैसा दिया तो अलग से क्या कोई अंदर जाके आपके पांव दबाएगा वहाँ पे थिएटर में, एक्स्ट्रा वीआईपी ट्रीटमेंट मिलेगा आपको, कोई ट्रीटमेंट नहीं मिलने वाला है, आपको भी बेनिफिट 200 का ही मिलने वाला है, बट आपको एक्स्ट्रा पैसा दे के आना पड़ा। क्यों? क्योंकि आपकी डिमांड थी भाई, आपको ज़रूरत थी ना, आपको चाहिए थी वो मूवी तो एक्स्ट्रा पैसा दे के आना पड़ा। तो कंपनी भी ऐसी सिचुएशंस का फायदा उठाती है। सम टाइम जो फेस वैल्यू होती है, जितने रुपए का शेयर होता है, उससे कहीं ज़्यादा पैसा जो है वो शेयर होल्डर से मांगती है। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि कंपनी का आइडिया पब्लिक को एक बार समझ में ना आया हो, ठीक है। जो फाउंडर है उनको तो लग रहा है धमाका है, उनको तो लग रहा है धमाका है, बवाल करेगा, बट लोगों को नहीं समझ में आया, लोगों ने इंटरेस्ट नहीं शो किया। तो फाउंडर ने सोचा यार एक बार ये बिजनेस स्टार्ट हो जाए ना तो लोगों को बताएं कि हमारा आइडिया बेसिकली है क्या, समझ में आने लगे। बट स्टार्ट करने के लिए एक बार तो पैसा चाहिए ना। तो फाउंडर ने क्या किया, फाउंडर ने कहा कि यार एक काम करो, ये 100 रुपये का शेयर है ना, ये हम आपको 100 - 20 इट मीन्स 80 रुपये में दे देते हैं। कितने में दे देते हैं? 80 रुपये में आपको ये शेयर हम दे देते हैं। तो इस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं? डिस्काउंट। अब यहां तक तो बात सही थी कि लोगों का दिल जीतने के लिए आपने क्या किया, एक बार बोला कि ठीक है 100 रुपये का सामान हम आपको 80 रुपये में दे देंगे, फिर आपने बिजनेस स्टार्ट भी कर दिया। बट एक बात सोचो, जब पूरी दुनिया ही कह रही है कि आइडिया फ्लोप है, कोई इंटरेस्टेड नहीं है पैसा लगाने में एंड ऑल, फिर भी आप एक पागलपन लेके चल रहे हैं। देखिए ऐसा पागलपन लेके चलना अपने आप में एक काबिलियत होती है। बट रेयर केस में ऐसा होता है कि 1000 लोग किसी चीज़ को कह रहे हैं कि नहीं होगा या सही नहीं है, डायरेक्शन सही नहीं है, कुछ और नहीं है, फिर भी एक बंदा कह रहा है तो मान लेनी चाहिए कि यार 1000 लोग ही ज़्यादा कह रहे होंगे। फिर भी उन 1000 को उसने लालच दिया कि डिस्काउंट पे शेयर इशू कर रहे हैं, 100 के बदले आपसे 80 रुपये ही ले रहे हैं, आप तो दे दो, और पब्लिक ने पैसा भी दे दिया। तो क्या होगा, जिस बिज़नेस को चलाने के लिए 100 रुपीज़ चाहिए, उस बिज़नेस को अगर आप 80 रुपीज़ में चलाएंगे, क्या वो बिज़नेस ग्रोथ करेगा? चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, बहुत कम हो जाते हैं। और अल्टीमेटली लोगों का पैसा क्या हो जाता है? डूब जाता है। तो आपने क्या किया, लोगों को लालच दिया। तो गवर्नमेंट ने बाद में क्या किया कि यहाँ पे लोग लालच की लिमिट इतनी बढ़ाने लग गए कि 50%, 40%, 10% दे दीजिए, बाकी 90% आपके लिए डिस्काउंट। ऐसा कौन पागल करेगा? ऐसा ये पागल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने पीछे देखा था कि कंपनी का क्या होता है, सेपरेट एग्जिस्टेंस होता है, और शेयर होल्डर की लायबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है। पब्लिक से पैसा ले लिया, ठीक है, 100 रुपये चाहिए किसी बिजनेस को चलाने के लिए, 10 रुपये में आप बोल रहे हो कि हम इस बिजनेस को चला लेंगे, फिर आप क्या करोगे, थोड़े टाइम बाद लॉस दिखाओगे, बोलो ठीक है आपका पैसा जो है वो डूब गया। तो भोली भाली पब्लिक को फंसाया जाने लग गया डिस्काउंट के नाम पे। तो गवर्नमेंट ने इसमें फिर थोड़े प्रोविजंस में चेंज किया कि डिस्काउंट जो है वो वही कंपनी दे सकती है, पुरानी कंपनी होनी चाहिए, रेप्यूटेड कंपनी होनी चाहिए, इस टाइप के शेयर पहले भी इश्यू किए जा चुके हैं। काफ़ी हद तक चीज़ें कंट्रोल हुई, बट कंप्लीट कंट्रोल में नहीं आ पाई। तो फिर क्या किया गया, कंपनीज एक्ट 2013 में डिस्काउंट पे शेयर इशू नहीं किए जाएंगे, ऐसा एक प्रोविज़न लेके आया गया, एक अमेंडमेंट लेके आया गया इन कंपनीज एक्ट 2013 में। तो हम जो अकाउंटिंग पढ़ेंगे वो अकाउंटिंग पढ़ेंगे इश्यूड एट पार की, जब फेस वैल्यू के बराबर ही पैसा पब्लिक से लिया जाए। एक है इश्यूड एट प्रीमियम की। तो शेयर जो है बेसिकली दो तरीके से एट प्रेजेंट जो है इशू किया जा सकता है, एट पार, एट प्रीमियम। डिस्काउंट पे रेस्ट्रिक्शन है, कभी भी शेयर्स जो है डिस्काउंट पे इशू नहीं किए जा सकते। कौन से शेयर? इक्विटी शेयर हो चाहे प्रेफरेंस शेयर्स। देन अब सर कंपनी ने, अगर मान लीजिए आप कह रहे हैं 100 रुपीज लेना था और कंपनी बोल रही है कि 110 रुपये हम लेंगे, और कंपनी ने 110 रुपये ले भी लिए, कंपनी के पास 10 रुपये एक्स्ट्रा आ गए। अब कंपनी इस एक्स्ट्रा पैसे का क्या करेगी? अपने हिसाब से मजे कर लेंगे क्या प्रोमोटर्स? नहीं बेटा, वो पैसा कंपनी का है, एक्स्ट्रा पैसा भी किसका है? कंपनी का है। तो कंपनीज एक्ट 2013 में ये कुछ बातें लिखी गई कि अगर कोई कंपनी प्रीमियम पे शेयर इशू करती है, देखिए भाई डिमांड अगर ज़्यादा है तो कंपनी उसका फ़ायदा उठा सकती है, लेकिन फ़ायदा उठा के जो पैसा कंपनी के पास आया है वो पैसा कंपनी सिर्फ और सिर्फ 5 जगह ही यूज में ले सकती है। कोई छठी जगह ऐसी नहीं बनी है जहाँ पे यूज में लिया जा सके। वो 5 यूज क्या है? वो 5 यूज ये हैं, आपके पास जो एक्स्ट्रा पैसा आया है शेयर इशू करते टाइम पे प्रीमियम का, उस पैसे को आप यूज में ले सकते हैं इन परचेजिंग इट्स ओन शेयर। कंपनी अपने ही शेयर मार्केट में जो पहले से इशू किए गए हैं, हाँ भाई आपने इतना पैसा दिया था ना, ये लो आपका पैसा, शेयर वापस दे दो, दैट्स कॉल्ड बायबैक। अब जो कंपनी पैसा दे रही है वो पैसा कहाँ से निकाल सकती है? अगर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है, क्या यूज में लिया मैंने वर्ड सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। जो प्रीमियम का अमाउंट है, ठीक है, उसको एक गुल्लक में डाला जाता है, उस गुल्लक का नाम होता है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो उस गुल्लक से आप पैसा निकाल के खुद के शेयर्स मार्केट से बाईबैक कर सकते हो। इशूइंग फुल्ली पेड बोनस शेयर्स टू द मेंबर्स, जो एग्जिस्टिंग मेंबर्स हैं, ठीक है, उनको क्या कहा, आपके पास कितने शेयर्स हैं, आपने कहा 5 शेयर्स, तो 5 शेयर्स पे हम 1 शेयर बोनस दे रहे हैं, जो मालिक हो ना आप, ठीक है। तो हमें क्या है, पैसा तो हमारे पास पड़ा है, रिजर्व में पड़ा है, अब कंपनी को ज़रूरत है, कंपनी को ज़रूरत है तो कंपनी क्या यूज में ले सकती, कंपनी को पैसे की ज़रूरत है लेकिन यहाँ से निकाल नहीं सकती, तो हम क्या करते हैं, ये पैसा जो है ये कंपनी के पास आया, बदले में आपको हमने क्या कर दिया, शेयर दे दिया। अरे भाई शेयर अगर आप किसी को इश्यू कर रहे हो तो उससे पैसा आना चाहिए ना कंपनी के पास, कंपनी कह रही है हाँ आया है ना हमारे पास, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में जो एक्स्ट्रा पैसा था ना वो हमने ले लिया, बदले में राइट किसको दे दिया हमने, हमारे शेयर होल्डर को। भाई कंपनी का ही तो पैसा है ना अल्टीमेटली, तो फायदा किसको मिलना चाहिए, कंपनी के मालिकों को, और कंपनी के मालिक कौन है, शेयर होल्डर। तो शेयर होल्डर्स को फुली पेड बोनस, यहाँ पे ये बात आप ध्यान रखेंगे, बार बार एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। ये जो बोनस शेयर कंपनी जब भी इश्यू करती है तो ये फुली पेड होनी चाहिए। ऐसा नहीं आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को कहो कि 100 रुपये का आपको शेयर दे रहे हैं हम, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से निकाल लेंगे हम 80 रुपये, 20 रुपये आप दे दो, तो ये पार्टली पेड हो गया। फुली पेड बोनस शेयर होना चाहिए भाई, ठीक है। राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज ऑफ द कंपनी, कंपनी के जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज है, प्री इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड एक्सपेंसेज है, उनको राइट ऑफ करने के लिए भी कंपनी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व जो है यूज में ले सकती है, ठीक है। प्री इनकॉर्पोरेशन से मतलब है कंपनी के डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सब चलता रहेगा, बट कंपनी ने परचेज सेल्स वगैरह ये काम जो है स्टार्ट कर दिए थे और खुद थोड़ा बहुत प्रॉफिट कमा भी लिया था। इनकॉर्पोरेशन में जैसे ही कंपनी आई प्री इनकॉर्पोरेशन में जो भी कंपनी ने प्रॉफिट कमाया था, ठीक है, वो ठीक है, लेकिन अगर कोई खर्चा वगैरह हुआ है एस्टेब्लिशमेंट में तो उसको राइट ऑफ करने के लिए भी आप इसको यूज में ले सकते हैं। राइटिंग ऑफ इश्यू एक्सपेंसेस, शेयर इश्यू करती है कंपनी, तो खर्चा नहीं होता है क्या, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ करनी होती है, लीगल चार्जेज भी लगते हैं वहाँ पे, तो वो खर्चा कहाँ से निकलेगा, कंपनी बोल रही है वो खर्चा जो है ना, वो खर्चा तो हमने सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से ही निकाल लिया। तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को इश्यू एक्सपेंसेज राइट ऑफ करने के लिए भी काम में लिया जा सकता है। प्रोवाइडिंग फॉर द प्रीमियम पेबल ऑन द रिडम्पशन ऑफ एनी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर और ऑफ एनी डिवेंचर ऑफ द कंपनी। अब ये क्या आफत है, रिडम्पशन क्या होता है? देखिए आज मैंने आपसे पैसा लिया, तो पैसा लेने के लिए मैं क्या इश्यू करूँगा, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, एक डिवेंचर नाम की भी चीज़ होती है, ठीक है, इसके ऊपर एक चैप्टर है, तो वहाँ पे बात करेंगे कि डिवेंचर बेसिकली होता क्या है। डिवेंचर इट्स अ काइंड ऑफ लोन, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर्स जो होते हैं ना, वो प्रोप्राइटर ही है लेकिन वो रिस्क नहीं ले रहे हैं, तो रिस्क नहीं ले रहे तो काहे के प्रोप्राइटर हुए, ठीक है। डिवेंचर्स जो है वो एज ए लोन कंसीडर किए जाते हैं, तो इनसे जब भी हम पैसा लेते हैं तो इनका पैसा एक टाइम के बाद हमें वापस लौटाना होता है, इनका पैसा हमें क्या करना होता है, चुकाना होता है। बट क्या इक्विटी शेयर्स का पैसा हमें नहीं चुकाने की जरूरत होती है ना, इक्विटी शेयर का कभी रिडम्पशन नहीं होता है, इट मीन्स इक्विटी शेयर्स का जो रिडम्पशन है वो नहीं होता है। आप मालिक हो, आपका बिजनेस है, आपने अपने बिजनेस में 2 लाख रुपए लगाए, फिर और पे जरूरत पड़ी, आपने बैंक से लोन लिया, बैंक का लोन आप वापस चुका देंगे, अपना पैसा आप कभी भी नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि आपके 2 लाख रुपए जैसे जैसे प्रॉफिट होगा, बिजनेस बढ़ेगा, वो भी आपका ही पैसा है, ठीक है। प्रॉफिट हुआ, वापस री इन्वेस्ट हुआ, मतलब आपका जो इन्वेस्टमेंट जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है। एक टाइम के बाद आप कह रहे हैं कि नहीं भाई मुझे तो मेरा पैसा वापस निकालना, तो भाई बेच दे दुकान, बेच दे सामान बेच दिया, दुकान बेच दिया, तो क्या हो गया, धंधा बंद हो गया। तो अगर आपको बिजनेस बंद करना है उस केस में आप अपना खुद का पैसा मालिक निकाल सकता है, अदरवाइज कभी भी नहीं निकाल सकता। तो मतलब यहाँ पे साफ साफ सा है, इक्विटी शेयर्स का कभी भी रिडम्पशन नहीं होता है, नहीं होता है, नहीं होता है। रिडम्पशन किसका होता है, प्रेफरेंस शेयर्स का और डिवेंचर्स का, ठीक है। इनका पैसा एक टाइम के बाद लौटा दिया जाता है। जब कंपनी इनका पैसा रिटर्न करती है तो रिटर्न करते टाइम पे कंपनी इनसे क्या कहती है, इश्यू करते टाइम पे कह देती है कि आज हम आपसे 100 रुपए ले रहे हैं, जब हम आपका पैसा वापस लौटाएंगे, आपको जो भी आपका डिविडेंड और इंटरेस्ट है वो टाइम पे मिलता रहेगा, वापस जब हम लौटाएंगे तो 15-15 रुपये हम आपको एक्स्ट्रा देंगे। भाई कहाँ से आएगा ये पैसा, आपने प्रॉमिस तो कर दिया, ले आज मैं आपसे उधार ले रहा हूँ 100 रुपये, लौटाऊंगा आपको कितने 115 रुपये। वो 15 रुपये ब्याज नहीं है, वो प्रीमियम है। ब्याज तो आपका अलग से आपको मिलेगा ही मिलेगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं प्रीमियम। तो इस पैसे का अगर आपको अरेंजमेंट करना हो तो इश्यू के टाइम पे जो आपके पास प्रीमियम आया है वहाँ से आप इसको यूज में ले सकते हो। देखो जब शेयर इश्यू कर रहा हूँ तो मैं पब्लिक से ले रहा हूँ प्रीमियम, रिडम्पशन के टाइम पे मुझे प्रीमियम देना पड़ेगा। तो वो जो देना है उसके जुगाड़, उसका जो जुगाड़ है आप सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से कर सकते हो। यही बात यहाँ पे कही गई है। ये 5 जो यूज है ना सिक्योरिटी प्रीमियम के, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। लिख लेना, हाथ पे रट लेना। समझ में आ गए हैं, बहुत बढ़िया बात है। कोशिश की है मैंने, क्योंकि ये चीज़ें समझ में आएगी आपको आगे, क्योंकि इनकी प्रैक्टिकल अकाउंटिंग आप देखेंगे, कुछ चीज़ों की आप देखेंगे, कुछ चीज़ों की आप आफ्टर 12th देख पाएंगे। पर दिमाग में आपको सेट कर लेना है कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को 5 जगह हम यूज में लेते हैं, वो 5 यूज ये है। इतना आपके लिए इनफ होगा। आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है कि सर ठीक है, शेयर जो है एट पार इशू किया जाए या एट प्रीमियम इशू किया जाए, इसकी अकाउंटिंग कैसे होगी। तो देखो पुराने टाइम पे, अभी इंडियन एजुकेशन सिस्टम बार बार हम दावा तो ठोक रहे हैं कि सिस्टम जो है वो चेंज हो गया, तो हम एजुकेशन सिस्टम जो है वो भी चेंज कर देंगे, ठीक है, अकाउंटिंग चेंज कर देंगे, ये कर देंगे। बट हम भी अभी भी जो अकाउंटिंग कर रहे हैं वो अकाउंटिंग कर रहे हैं उस मेथड की जो मेथड पहले यूज में लिया जाता था। आजकल वो मेथड यूज में ही नहीं आता है, क्योंकि सब कुछ डिमेटेरियलाइज्ड हो गया है, सब कुछ ऑनलाइन ट्रेडिंग का काम हो गया है। लेकिन पुराने ज़माने के अकॉर्डिंग अगर अपन चलें, बेस को अगर हम समझें कि कैसे कंपनी की शुरुआत होती थी, तो वो चीज़ आप समझने की कोशिश कीजिए। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, मेरे दिमाग में, आपके दिमाग में, 2-3 लोग हैं, अपन सहमत हुए और दिमाग में ये आया कि हमें एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डालना, लिथियम आयन बैटरी का जो अपन ने बिजनेस सोचा था, चलो वही सोच लेते हैं और अमाउंट थोड़ा छोटा कर लेते हैं एक बार समझने के लिए। हमें उसके लिए चाहिए 1 लाख रुपए, और 1 लाख रुपए बहुत बड़ा अमाउंट होता है, बहुत बड़ा अमाउंट। हाँ, छोटा अमाउंट होता है आप लोगों के लिए, मान लीजिए यार कि हम छोटे लोग हैं, ठीक है। 1 लाख रुपए जो है वो बहुत बड़ा अमाउंट है, बहुत बड़ा अमाउंट है, ऐसे काम नहीं चलेगा। तो हमने क्या किया कि सर क्यों ना इसके टुकड़े कर दिए जाए, ठीक है, इसके क्या कर दिए जाए, टुकड़े कर दिए जाए। तो कितने टुकड़े हो जाएंगे 1000। अब ये टुकड़े जो है ना, जिसकी जितनी औकात है ना उतने टुकड़े खरीद लो। तो अपन फाउंडर मेंबर है भाई, ठीक है, अपने जेब में पैसा है, लेकिन इतना भी नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा शेयर ले लें। कल हमसे ज़्यादा कोई शेयर ले गया तो, और हम मेहनत कर रहे हैं, हमारा आइडिया है, सब कुछ इसका इसको बिजनेस को एस्टेब्लिश जो है वो हम कर रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं यहाँ पे, और बेनिफिट कल को कोई और ले जाए। तो ये सारी चीज़ें अगर आपके दिमाग में हैं तो इसके लिए आपको अलग से कुछ शेयर्स भी मिलते हैं, ठीक है। प्रोमोटर्स जो होते हैं उनको कुछ शेयर्स ऐसे भी मिलते हैं, तो वो चीज़ें बाद की बात है। बट यहाँ पर आप समझिए कंपनी में जो शेयर है, जो हिस्सा है, उसकी कहानी ये है कि 1000 शेयर हैं और एक शेयर की वैल्यू कितनी है 100 रुपीज़। अच्छा, ये तो काम हमने कर दिया। अब हम क्या जाएंगे, कंपनी रजिस्ट्रार के पास जाएंगे और हम कहेंगे कि हमें ना 1 लाख रुपए की ज़रूरत है और हम शेयर इशू करना चाहते हैं कितने 1000। कंपनी रजिस्ट्रार ने कहा ठीक है, आप 1000 के शेयर इशू कर सकते हो। फॉर्मेलिटीज़ करवाई, आपका बिजनेस मॉड्यूल सब कुछ, सारी चीज़ें समझी, जो भी फॉर्मेलिटीज़ है वो उनका काम है। ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी कंपनीज एक्ट 2013, जो प्रॉपर एक्ट आप पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बीकॉम सेकंड ईयर, या फिर जो स्टूडेंट सीए वगैरह करेंगे तो वो सीए में पढ़ेंगे, सीएस में भी मिलेगा आपको, लॉ में भी मिलता है, तो वहाँ पे आपको डिटेल में मिलेगा। यहाँ पे अकाउंटिंग में जितना जितना पार्ट रिलेटेड होगा वो मैं आपको बताता चलूँगा, कंपनीज एक्ट 2013 का जहाँ जहाँ रेफरेंस लगेगा। चलिए, तो उसमें जो भी प्रोविजंस है, रूल्स है, रेगुलेशंस है, वो फॉलो करवाएगा कंपनी रजिस्ट्रार। उसके बाद कंपनी रजिस्ट्रार आपको परमिशन दे देता है कि जा भाई जी ले अपनी ज़िंदगी, कर दे शेयर इश्यू। अब हम क्या करेंगे, हम एक प्रॉस्पेक्टस प्रिंट करवाएंगे। उस प्रॉस्पेक्टस में कंपनी से रिलेटेड कंप्लीट डिटेल होगी। पुराने टाइम की बात बता रहा हूँ, ऐसे ही होता था, ठीक है, ऐसे ही होता होगा। तो प्रोस्पेक्टस में कंप्लीट डिटेल होती है कंपनी की कि किस टाइप का बिजनेस है, कहाँ से हम गुड्स परचेज करेंगे, फिर कैसे उसकी मैन्युफैक्चरिंग होगी और कहाँ हम उसको सेल करेंगे, क्या कंपनी का फ्यूचर है, क्या कंपनी का विजन है, ठीक है, कितना % प्रॉफिट होने के चांसेज है, ये सारी बातें। घर पे बैठे गुप्ता जी सुबह सुबह न्यूज़पेपर खोल रहे, चाय का कप उनके पास पड़ा। गुप्ता जी के दिमाग में एक चिंता चल रही है कि गुप्ता जी के पास क्या है, गुप्ता जी के पास 1000 रुपये पड़े हैं और 1000 रुपये बहुत बड़ा अमाउंट है एक इंडिविजुअल आदमी के लिए, ऐसा हम मान के चल रहे हैं, क्योंकि लाख रुपए बड़ा अमाउंट है तो 1000 भी कोई छोटा अमाउंट नहीं है। गुप्ता जी सोच रहे हैं यार 1000 रुपये ना किसी बिजनेस में लगा दूं, क्योंकि बैंक से तो इतना इंटरेस्ट मिलता नहीं है। सुबह सुबह गुप्ता जी वाइट कुर्ता पजामा पहन के न्यूज़पेपर खोल रहे, साइड में कप पड़ा चाय का। न्यूज़पेपर में निकला एक प्रॉस्पेक्टस में लिखी हुई बिजनेस की डिटेल। गुप्ता जी को बहुत पसंद आई कि यार क्या बिजनेस है, शानदार बिजनेस है, अगर मेरे पास इतना पैसा होता लाख रुपये तो मैं खुद कर लेता। बट कोई बात नहीं, ये लोग कंपनी का फॉर्मेशन कर रहे हैं कि आपके पास जितना पैसा है उतना पैसा आप लगा सकते हैं। तो गुप्ता जी ने सोचा कि मैं क्यों ना मेरे 1000 इस कंपनी में लगा दूं। 1000 में मुझे कितने शेयर मिलेंगे? 10 शेयर मिलेंगे। एक शेयर की वैल्यू कितनी है? 100 रुपये। ठीक है, तो मैं कंपनी में कितने के लिए मालिक हो गया? 1% के लिए मालिक हो गए आप। ठीक है, तो कंपनी जो भी कुछ प्रॉफिट कमाएगी उसके अकॉर्डिंग आपका प्रोपोर्शनेट आपको मिल जाएगा। तो गुप्ता जी ने फटाक से उस प्रोस्पेक्टस में एक एप्लीकेशन फॉर्म था वो फाड़ा, उस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल किया कि इस नाम से इतने शेयर्स आप इश्यू कर दीजिए, और एक डीडी बना के भेज दी। अब गुप्ता जी को कितने रुपए भेजने चाहिए कंपनी को? 1000। बट ऐसा प्रैक्टिकली नहीं होता था। ये चीज़ें कुछ इस तरीके से होती थी। अच्छा, अपन ने एक शेयर कितने का लिया था? 100 का लिया था ना, हाँ ठीक है। 10 शेयर्स थे, ठीक है, गुप्ता जी के पास। उन्होंने 10 शेयर के लिए डिमांड की। अब कब गुप्ता जी को कितने पैसे भेजने चाहिए थे? 100 रुपीज़ पर शेयर। ऐसा नहीं होता था। होता क्यों? कुछ यूँ था, कंपनी कहती थी कि 100 रुपये, पूरे 1 लाख रुपए की ज़रूरत है। तो कंपनी रजिस्ट्रार भी कहता था यार 1 लाख रुपए अभी के अभी थोड़ी ना चाहिए आपको, थोड़ा टाइम पे चीज जरूरत पड़ेगी ना आपको पैसे की। अभी इनिशियल लेवल पे आपको कितना चाहिए? तो इन्होंने कहा हमें जैसे ही शेयर के लिए लोग डिमांड करते हैं तो कुछ पैसा तो उसके साथ भेज देंगे। तो इंस्टॉलमेंट में यहाँ पे इसको डिवाइड कर दिया। अब ये इंस्टॉलमेंट 3 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 4, 5, 6 कितनी भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल हम जो ले रहे हैं उसमें 4 इंस्टॉलमेंट बनाएगी और चारों इंस्टॉलमेंट बराबर बनाएगी। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, कितने कितने रुपए भी मांगे जा सकते हैं। इंस्टॉलमेंट से रिलेटेड कुछ छोटे मोटी बातें हैं वो अपन डिस्कस कर लेंगे। तो कंपनी ने कहा 25-25 रुपए की 4 इंस्टॉलमेंट हमें पब्लिक से लेनी है। तो गुप्ता जी जैसे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद गुप्ता जी एक डीडी बनवाएंगे। 10 शेयर्स चाहिए ना, एक शेयर के पीछे कितने रुपये भेजने हैं? 25। बाकी 75 भी मांगे जाएंगे लेकिन वो बाद में। तो ये पैसा बनता है आपका 250। तो 250 गुप्ता जी ने भेजा, थोड़ा पैसा शर्मा जी ने भेजा, थोड़ा मिश्रा जी ने भेजा, ठीक है, थोड़ा मिस गीता ने भेजा। तो जिस जिसका इंटरेस्ट था मॉर्निंग में उन सब ने न्यूज़पेपर पढ़ा, और पढ़ने के बाद कंपनी में दह दनादन एप्लीकेशंस आने लग गई। एप्लीकेशन के साथ क्या आ रही है? डीडी आ रही है। अब जो पहली इंस्टॉलमेंट आ रही है वो किसके साथ आ रही है? अलोंग विद एप्लीकेशन। तो पहले इंस्टॉलमेंट का नाम ही क्या रख दिया गया? एप्लीकेशन। बात आई सेकंड इंस्टॉलमेंट की। अब कंपनी के पास एप्लीकेशन आई, कंपनी ने देखा डिटेल विटेल भी सही है, सारे इंडियन ही हैं, इंडियन सिटीजन हैं, ठीक है, यहाँ के रेजिडेंट हैं, अच्छे लोग हैं, इनके साथ बिजनेस करने में मज़ा आने वाला है। कंपनी के पास एक हैंडसम मनी भी आ गया कंपनी के पास, ठीक है, कि कंपनी ठीक है अब कंपनी जो एस्टेब्लिश हो सकती है। तो कंपनी ने अपनी लीगल फॉर्मेलिटीज़ वगैरह कंप्लीट करी, सेटअप वेटअप बिठाया अपना, और फिर कंपनी ने क्या कहा? अब हमें और पैसों की ज़रूरत है। ठीक है, तो जैसे ही कंपनी, अब कंपनी को क्या करना है? ये लोग वेट कर रहे हैं कि यार हमने पैसा तो भेजा था, एप्लीकेशन तो भेजी थी, क्या हुआ हमारी एप्लीकेशन का? क्या हमें शेयर अलॉट हुए या नहीं हुए, या हमारा पैसा वापस करेगी कंपनी? भाई 2 में से एक चीज़ हो गया, तो बदले में आपको शेयर मिल जाएंगे या आपका पैसा वापस कर दिया जाएगा। तो कंपनी इनको एक खुशखबरी भेजती है कि मुबारक हो, इसकी कंपनी जो है आपको शेयर अलॉट कर चुकी है, आपको जो है अलॉटमेंट हो गया है। अब जैसे ये इन्फॉर्मेशन भेजेगी साथ के साथ कंपनी से क्या करेगी कि भाई अब अलॉटमेंट तो हो ही गया है, खबर तो जा ही रही है, चिट्ठी तो आपके पास जा ही रही है, उसी चिट्ठी में हम इंस्टॉलमेंट मांग लेते हैं ताकि बार बार हमारा खर्चा ना हो। तो कंपनी ने कहा इस चिट्ठी जैसे ही आपको प्राप्त हो तो सप्रेम भेंट आप हमें 25 रुपये और कर दें। तो यहाँ से हम इन्होंने 250 जो है कंपनी को बाद में अलॉटमेंट पे भेज दिया। तो सेकंड इंस्टॉलमेंट का नाम क्या रख दिया? अलॉटमेंट। अब धंधा चल पड़ा है। अब कंपनी को जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी कंपनी आगे की इंस्टॉलमेंट मांगेगी। अब इस इंस्टॉलमेंट का नाम क्या होना चाहिए? थर्ड इंस्टॉलमेंट है ना ये बेसिकली, बट हम इसको कहते हैं फर्स्ट कॉल। क्या कहते हैं? फर्स्ट कॉल। ये जो आपके 25 लास्ट वाले हैं इसको हम क्या कहेंगे? सेकेंड कॉल। अब क्योंकि ये लास्ट है तो हम क्या कहते हैं, सेकंड कॉल ना लिख के हम इसको नाम दे देते हैं सेकंड एंड फाइनल कॉल। ठीक है, तो इन्होंने 250 250 250 ऐसे करके 1000 रुपीज़ जो है कंपनी को दे दिए। ठीक है, तो आप देख रहे हैं गुप्ता जी भी इस कंपनी में मालिक हैं। गुप्ता जी जैसे और बहुत सारे लोग हैं। तो कंपनी के पास जो पैसा है वो कुछ इस तरीके से आया, 1000 शेयर्स @ 25 25,000 रुपये आया कंपनी के पास ऑन एप्लीकेशन। 1000 @ 25 25,000 कंपनी को रिसीव हुआ ऑन अलॉटमेंट। 1000 @ 25 25,000 कंपनी को रिसीव हुआ फर्स्ट कॉल पे। 1000 @ 25 ईच, ये 25,000 कंपनी को रिसीव हुआ सेकंड एंड फाइनल कॉल पे। तब कहीं जाके कंपनी के पास 1,00,000 रुपया आया। आई बात समझ में? क्लास 11th में आप एंट्री करते थे बैंक अकाउंट DR टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, 12th में पार्टनरशिप में आपने एंट्री की बैंक अकाउंट DR टू पार्टनर्स कैपिटल। अब कंपनी के केस में क्या एंट्री करनी है, बैंक अकाउंट DR टू गुप्ताज कैपिटल अकाउंट, तो शर्माज कैपिटल अकाउंट। नहीं पता नहीं कितने शेयर होल्डर होंगे भाई, 1000 शेयर हैं, मैक्स टू मैक्स कितने शेयर होल्डर से हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं भाई। सबको एक एक दिया हो कंपनी ने, एक एक मांगा हो लोगों ने, दो मांगे हैं तो 500 भी हो सकते हैं, किसी ने 4 किसी ने 5, तो कितने भी शेयर होल्डर हो सकते हैं, प्रोपराइटर कितने भी हो सकते हैं। हम किसी का नाम यूज में नहीं लेंगे। तो कंपनी के केस में जो आपकी एंट्री होगी, ठीक है, वो होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। और अमाउंट कितना आना चाहिए, 1,00,000 रुपए। अब 1,00,000 रुपए से कैसे कर दें, ये काम किसी और डेट को होगा, ये काम किसी और डेट को, ये किसी और डेट को, और ये किसी और डेट को। इट मीन्स यही एंट्री बैंक अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल आपको कितनी बार पोस्ट करनी पड़ेगी, 4 बार। तब जाके आपका बनेगा 1,00,000 रुपए। 25,000 से 4 बार एंट्री करनी पड़ेगी। अच्छा सर, तो 4 एंट्री से काम हो जाएगा? नहीं, 4 की भी आपको 8 बनानी पड़ेगी। चलिए समझते हैं इस बात को हम, ठीक है, प्रैक्टिकली समझते हैं। इसी चीज़ को हम फीड करके देखते हैं। 1000 @ 25, तो सबसे पहले आपके पास कंपनी के पास एप्लीकेशन पे पैसा आएगा कितना, 25,000। तो 25,000 कंपनी को जैसे रिसीव होगा, कंपनी एक एंट्री पोस्ट कर देती है बैंक अकाउंट DR टू शेयर एप्लीकेशन। बट सर आपने कहा था बैंक अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल होना चाहिए ना, क्या होना चाहिए, टू शेयर कैपिटल। भाई कंपनी के पास एप्लीकेशन आई, आते ही कंपनी अपनी लायबिलिटी थोड़ी ना मान लेगी। एप्लीकेशन आई है, आपको शेयर अभी इश्यू नहीं हुए हैं भाई, ठीक है, आपको शेयर इश्यू अभी तक नहीं हुए हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन रिसीव हुई है। तो हम क्या कहेंगे, बैंक अकाउंट DR टू शेयर एप्लीकेशन। अब इस शेयर एप्लीकेशन को बैंक कंपनी हटाएगी कि भाई कंपनी सेटिस्फाई है, चलो अब शेयर इशू कर देते हैं आपको, है ना। क्योंकि शेयर होल्डर ने कहा यहाँ तक तो नहीं हुए थे, लेकिन करोगे कि नहीं करोगे, तो कंपनी बोल रही है चलो कर रहे हैं आपको। शेयर एप्लीकेशन को हमने डेबिट किया टू क्या किया, शेयर कैपिटल। क्या किया, टू शेयर कैपिटल। अब ध्यान से देख के बताइए मुझे, इन दोनों एंट्रीज का रिजल्ट क्या निकल रहा है। रिजल्ट आपके सामने आ रहा है, एप्लीकेशन जो है यहाँ पे क्रेडिट हुआ और यहाँ पे डेबिट। तो बैंक अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल बाई ₹25,000, ये सिस्टम आपको फॉलो करना है, ठीक है। उसके बाद ये तो हो गई आपकी एक इंस्टॉलमेंट, ठीक है, जिसका नाम क्या हो गया, एप्लीकेशन। वीडियो गेम खेलते हो ना आप लोग, एक स्टेज जैसे ही क्लियर हो जाती है नेक्स्ट स्टेज में जाने की परमिशन मिल जाती है। तो ये स्टेज जैसे ही आपकी क्लियर हो गई, नेक्स्ट स्टेज में हम पहुंच जाते हैं, और नेक्स्ट स्टेज का हम नाम क्या देते हैं, अलॉटमेंट। तो थर्ड एंट्री, अब अलॉटमेंट का पैसा आना चाहिए ना। एप्लीकेशन का पहले पैसा आता है, फिर हम ट्रांसफ़र करते हैं, बाकी सारी इंस्टॉलमेंट पहले हम ट्रांसफ़र करेंगे, बाद में पैसा आएगा। ऐसा क्यों, मांगना पड़ेगा ना। हमने शेयर होल्डर को कह दिया कि हमने आपको शेयर अलॉट कर दिया, लाओ सेकेंड इंस्टॉलमेंट दे दो, ठीक है। तो हमने आपको शेयर अलॉट कर दिया, लाओ शेयर दे दो, तो हमने हमारी लायबिलिटी मान ली है शेयर कैपिटल बाई ₹25,000। अच्छा कैश आया क्या आपके पास? नहीं अभी पैसा नहीं आया। ये पैसा किस पे आएगा? अलॉटमेंट पे। तो ये जो एंट्री है ना आपकी ट्रांसफर, यहाँ पे क्या था? शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। यहाँ पे एप्लीकेशन की जगह नाम चेंज हो गया, क्या हो गया? अलॉटमेंट हो गया। बाकी ये की एंट्री है, मीन्स अलॉटमेंट का पैसा हम शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर चुके हैं। लाओ हमें अलॉटमेंट का पैसा दे दो। ऑन अलॉटमेंट ड्यू, इसकी नरेशन भी हम क्या लिख सकते हैं? ऑन अलॉटमेंट ड्यू और अलॉटमेंट मनी ट्रांसफर। ठीक है, बीइंग अलॉटमेंट मनी ट्रांसफर्ड, कि अलॉटमेंट का पैसा हमने ट्रांसफर कर दिया, अब लाओ अलॉटमेंट का पैसा जो है वो दे दो। यहाँ पे बैंक आना चाहिए था सर, ले आते हैं। चलो अलॉटमेंट को क्रेडिट करेंगे और डेबिट किसको कर देंगे हम? बैंक को। तो अलॉटमेंट डेबिट, क्रेडिट खत्म। अल्टीमेटली आपकी एंट्री क्या बनी? बैंक अकाउंट डी आर टू शेयर कैपिटल। ठीक है, बाई रुपीज 25,000। तो ऊपर जो दो एंट्रीज आपकी एप्लीकेशन की हैं, सेम एंट्री आपकी अलॉटमेंट की है, सिर्फ और सिर्फ नाम चेंज हुआ है भाई। एप्लीकेशन की जगह क्या आ गया है? अलॉटमेंट आ गया और कुछ भी नहीं हुआ है, और बाकी सेम टू सेम ही तो है। ठीक है, कहीं कोई चेंजेज नहीं है। देन आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल में भी वही कहानी चलेगी, यही दो एंट्री होगी। अलॉटमेंट की जगह क्या आ जाएगा? फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल। देखो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डी आर टू शेयर कैपिटल, कितना पैसा? 25,000 रुपये। उसके बाद बैंक अकाउंट डी आर टू शेयर फर्स्ट कॉल। तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ये सारे के सारे अकाउंट क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री अकाउंट है, एक बार ओपन होते हैं उसके बाद दम तोड़ देते हैं, बुक से हट जाते हैं। अब यहाँ इस क्वेश्चन में टोटल कितनी इंस्टॉलमेंट थी? इसमें सर इंस्टॉलमेंट थी 4, और हमने अभी तक कितनी इंस्टॉलमेंट की बात की है? 3 की। हर इंस्टॉलमेंट पे कितने का हिसाब किताब था? 25,000 का। तो अभी तक कितना हो गया है? 75। हमें तो 1,00,000 रुपए का करना था ना, तो चलो 1,00,000 रुपए का कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं। शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डी आर टू शेयर कैपिटल, कितना पैसा मांगेंगे यहाँ पे? वही 25,000 रुपया। कितना मांगेंगे? 25,000। बैंक अकाउंट डी आर टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल 25,000। अब टोटल आपकी एंट्री कितनी हुई है? 8 एंट्री हो गई है भाई। कितनी हो गई है? 8 एंट्री। 8 एंट्री क्यों हुई? क्योंकि टोटल जो इंस्टॉलमेंट थी वो थी 4, और हर इंस्टॉलमेंट को हमने 2-2 एंट्रियों में समेटा है। एंट्री हमारी सेम है, एक पैसा आने की होगी, एक ट्रांसफ़र करने की होगी। ट्रांसफ़र करते टाइम पे देखना है फर्स्ट कॉल ट्रांसफ़र कर रहे हो, सेकंड कॉल ट्रांसफ़र कर रहे हो, या फिर अलॉटमेंट ट्रांसफ़र कर रहे हो, वो चीज़ आप ध्यान से देख लेना। कंसेप्ट अगर आपको समझ में आ गया है, एक्चुअल में समझ में आ गया है, मज़ा आ गया है, तो आपको क्या करना है? एंट्री जो है सेम टू सेम एंट्रीज आपको करनी है। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? 40,000 शेयर्स हैं, एक शेयर की जो वैल्यू है वो है 10 रुपये। पेबल इन 2, पेबल ऑन 2 रुपये एप्लीकेशन पे, 3 रुपये अलॉटमेंट पे, 3 रुपये फर्स्ट कॉल पे और 2 रुपये फाइनल कॉल पे। ऑल दी शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड एंड अलॉटेड एंड द एंटायर सम ड्यू इज ड्यूली रिसीव्ड, पास जर्नल एंट्री। ठीक है, सारा का सारा पैसा मांग लिया गया है, आ भी गया। ये एप्लीकेशन है, ये अलॉटमेंट है, ये फर्स्ट कॉल है और ये सेकंड कॉल है। पैसा कितना कितना हो जाएगा? एप्लीकेशन पे हो जाएगा सर 40,000 इंटू 2, ठीक है, 80,000 रुपये आ जाएंगे। फिर टोटल 4,00,000 रुपये की ज़रूरत है कंपनी को। अलॉटमेंट पे कितना आएगा? 40,000 शेयर हैं, हर एक शेयर के ऊपर 3 रुपये, इट मीन्स 1,20,000। तो देखो 4,00,000 में से 2,00,000 का जुगाड़ तो हो गया है। ठीक है, फर्स्ट कॉल पे जब हम आएंगे तो हम कहेंगे 40,000 इंटू 3, 1,20,000, और सेकेंड कॉल पे हम कहेंगे 40,000 इंटू 2, 80,000। ऐसे करके कंपनी जो है अपने 4,00,000 रुपये का जुगाड़ जो है बिठाएगी। ठीक है, तो मिलेंगे अगली क्लास में अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक इस क्वेश्चन का आप सॉल्यूशन करेंगे और हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कितने बच्चों ने कंप्लीट जो है इसका सॉल्यूशन कर लिया है। अभी के लिए इजाज़त चाहूँगा, मिलूँगा अगली क्लास में। टिल देन टाटा, बाय बाय, थैंक यू सो मच।